अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैडम जी, जेल में कल कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया था और घर जेल के बाहर कुछ हंगामे भी किया था, क्या कुछ पूरा मामला था, कुछ वाद विवाद का मामला जेल का सामने आया था, क्या पूरा उसमें जांच की गई और क्या पूरा मामला था? जी बिल्कुल, मुझे ऑफिस आए तब मुझे पता चला कि दो बंदियों के बीच में आपसी कुछ झड़प हुई, अंदर कुछ मार पिटाई हुई। तब मैंने यहाँ के जो प्रमुख मुख्य प्रहरी हैं उनको जाँच के लिए कहा। जाँच में ये पाया गया कि वीरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ बंदी है, दो दिन पहले ही यहाँ आया है, उसके द्वारा बिना अनुमति के हमारी पाकशाला में प्रवेश किया गया, जो किसी को भी ऐसा अनुमति नहीं होती पाकशाला में जाने की, जो काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ उन्हीं की होती है। जब वो वहाँ पहुँचा तो एक मियादी बंदी ने, आनंद नाम की मियादी बंदी ने उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आया हो, तो उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया मियादी बंदी पर, जो कि एक जेल अपराध है। उसने अपना बीच बचाव करते हुए, बाकी जो वहाँ मियादी बंदी थे उन्होंने भी उसका बीच बचाव किया, हमारे स्टाफ ने भी बीच बचाव किया। तो इस दौरान जो उनकी झड़प हुई, इस झड़प को उसका भाई जो भी उत्तम सिंह, जिसने भी ये शिकायत की है वहाँ पर, उसके द्वारा ये बात फैलाई गई कि इसके इससे पैसों की मांग की गई है, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं था। ये दो बंदियों के आपस का विवाद था और जेल सुरक्षा का मामला था ये, तो इस विवाद को उसने इस तरह का रूप दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह जेल प्रशासन की छवि धूमिल करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ और भी बंदी रहते हैं, आप कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं, और हमारे अधिकारी आते ही रहते हैं, हमारे न्यायिक अधिकारी आते रहते हैं। यहाँ इस तरह के कोई भी पैसों के संबंधित कोई भी लेन देन नहीं होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी संबंध में। जी, जो बाहर लोग जो आए थे उन लोगों का कहना था कि मुलाकात भी नहीं आ रही थी जेल में और पैसों से मांग की गई, और जो पैसे कुछ दिए तो अब जाके मुलाकात की कराई गई है। बिल्कुल नहीं, जब से वो आया उसकी दो बार मुलाकात हो चुकी है, उसको आए हुए दो दिन ही हुए हैं और रोज़ दो मुलाकात उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, हफ्ते में दो मुलाकात का ही प्रावधान है। उस दिन भी उसकी मुलाकात हुई थी जिस दिन ये हंगामा बाहर किया गया है। और मैं आपको ये बात संज्ञान में लाना चाहूँगी कि पिछले साल कुछ आपराधिक तत्व के जो बंदी थे यहाँ पर, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, उनका मैंने जेल ट्रांसफ़र किया था यहाँ से भोपाल महानिदेशक की से बोलकर, उसके ही तारतम्य में वो छूटे हुए बंदी भी कल यहाँ हंगामे में शामिल मुझे दिखे हैं, जिनके द्वारा नारेबाजी की गई है। तो वो उनके ही कोई मित्रगण हैं अंदर जो उसके लिए सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नारेबाजी की है। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर भी अपराधी बाहर भी अपराधी, और वही लोग ये सब पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैडम जी, अब आगे भी आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी कि बाहर जिस तरह से वो अपराधी लोग हंगामा किया था? बिल्कुल, इस तरह से अगर झूठी इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और इस तरह छवि धूमिल करने की कोशिश की जाएगी तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, और हम बिल्कुल मनाने का दावा भी करेंगे। और अंदर बंदियों में कभी भी किसी तरह का कोई भी पैसों का लेन देन नहीं होता है, मेरे नाम से कोई बाहर कुछ बोलता भी है तो कृपया आपके माध्यम से मैं अपील करती हूँ किसी को किसी तरह का कोई पैसा ना दिया जाए। आपको परिचय? हिमानी मनवारी, जेल अधीक्षक, जिला जेल देवास।